राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अतवड़ा अतुल न तोले जाए। अगम अगोचर अतवड़ा अतुल न तोले जाए। राम राम करता सब जग कीमत कीने न पाया, कीती न ले जाए। कीमत कीने सब जग फिरे, राम न पाया जाए। गुरु के शब्द पे दया इन विद्वसिया मानिया। गुरु के शब्द पे दया इन विद्वसिया मानिया। सब जग फिरे, राम न पाया जाए। नानक आप हमें ओ है, नानक आप हमें ओ है।
आप मिले या मिल रहे आप मिले आप मिले या मिल रहे आप मिले राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अगम अगोचर अतवर्डा गम अगोचर अतवर्डा अतुल न तो ले जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए। हे पवित्र शब्द तीसरे पातशाह तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज का उच्चारण किया होया सतगुरु जी उपदेश करते हैं राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। ये सारा संसार राम राम कहता है हर कोई अपने अपने ढंग दे नाल उस राम नु उस परमेश्वर नु याद करता है। कोई राम कहता है कोई अल्लाह कोई वाहेगुरु कोई गोबिंद कोई माधु कोई मुरारी। ये सारा संसार उस परमात्मा नु याद करता है पर फिर भी वो सारे आदे बस विच नहीं आता सब नु मिलता नहीं। एदा ए मतलब नहीं जिड़ा राम राम कहंदा है जिड़ा वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह कहंदा है उन्हां नु रब मिलता नहीं। मिलता है पर उन्हां नु मिलता है जिड़े दिलों कहंदे ने राम राम जिड़े दिलों कहंदे ने वाहेगुरु जिड़े दिलों कहंदे ने अल्लाह अल्लाह। अगर दिलों नहीं आखिया सिर्फ मुंह तो ही आखिया दिखावे वास्ते ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई सारा संसार राम राम कह रहे है तू भी कही जा ना उन्हां नू मिलिया ते ना ही तैनू मिलेगा। राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अगम अगोचर अतवर्डा पहली गल आगम आगोचर अत वड़ा वो बड़ा वड़ा है अतुल कहंदे ने जिन्नू कोई तोल ना सके ओ राम ओ वाहेगुरु इन्ना वड़ा है उन्नू कोई तोल नहीं सकता तन दौलत दे नाल उन्नू कोई खरीद नहीं सकता। पर हां जिड़ा एक वरी मन करके श्रद्धा प्यार नाल कवे उसनु ते ओ मिलदा है पर जेड़ा
दिखावा करे, चलाकियां सियाणपा करे, ओ नानू ओ कदी नहीं मिलता है। अगम अगोचर अत वड़ा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। माथे तिलक मथे ते टिक्का ला लिया, हाथ विच माला पकड़ ली, ए समझ लिया मैं हुण धर्मी हो गया। अमृत छक लिया, गात्रे कृपान पा ली, ए समझ लिया मैं हुण खालसा हो गया। नहीं सासिंग, कला बार दा पेख नहीं, अंदर दी असलियत भी चाहिदी है। बाणी विच सतगुरु फरमांदे हन, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। मथे टिका ला लिया, हाथ विच माला पकड़ ली, गात्रे कृपान पा ली, अमृत छक लिया, ते ए समझ लिया मैं हुण धर्मी हो गया। नहीं, जदों तक इंसान दा जीवन उच्चा नहीं, दिखावे दे नाल इंसान उच्चा नहीं होता। लोगन राम खिलौना जाना, कबीर साहब कहते ने लोगों ने राम नु गुरु नु खिडौना समझ लिया। सारा दिन जो मर्जी करी जाओ, शाम नु मंदिर जावांगे, मथा टेकांगे, भगवान खुश हो जाएगा। सारिया की यह सोच बन गई है, सारा दिन जो मर्जी करी जाओ, शाम नु गुरुद्वारे जावांगे, मथा टेकांगे, भेटा चढ़ावांगे, गुरु खुश हो जाएगा। उस राम नु गुरु नु खिडौना समझ लिया। जिस तरह कोई बच्चा नाराज हो जाए, पैसे दे के या मिठा दे के बच्चे नु मना लैने, इसे तरह सोचते हैं जो मर्जी करी जाइए, भेटा चढ़ावांगे, ओ भगवान ओ गुरु खुश हो जाएगा, असी जो मर्जी करते रहिए। पर बाणी कहती है तुसी भावें राम नु खिडौना समझो, पर ओ खिडौना नहीं। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोका ने रब नु राम नु गुरु नु खिडौना ही समझे। इस वास्ते कईयां ने घरां दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी किया हुंदा है, ते नाल शराब दे बार भी बनाए हुंदे। घर विच राम दी मूर्ति भी है, घर विच रामायण भी है, गीता भी है, और नाल शराब दियां बोतलां भी हन। मखौल समझ लिया, खिडौना समझ लिया। असी जो मर्जी करी जाइए, राम ने गुरु ने केड़ा कुछ कहना। आम देखते हैं गुरु महाराज का प्रकाश होता है, कोई लीडर आ जाए, कोई संत आ जाए, तो सारिया का ध्यान उन्हां वल हो जाता है, फिर गुरु महाराज वल किसी का ध्यान नहीं होता। एक आदमी का सत्कार आपां करते हैं, पर गुरु का नहीं। सोचना यह चाहिए अगर कोई लीडर बने हैं, संत बने हैं, तो किदे करके, बाणी करके, गुरु करके। चाहिदा यह है असी भी गुरु नाल जुड़ जाइए। यह सोचिए यह बंदा सिमरन करके एडा उच्चा हो गया है, असी क्यों ना सिमरन करिए। पर असी बंदियां दे पिछे ते लग जाने हैं, पर गुरु नू असी भुला देने हैं। कईयां ने दुकाना ते जिहड़ा राम नू मनदा है वह राम दी फोटो लगांदा है, जिहड़ा गुरु घर नू मनदा है वह गुरु साहिबां दी फोटो लगांदा है। सिर ते फोटो लगाई है और थल्ले बैठ के
झूठ बोलते हैं। कई बारी देखते हैं महाराज की हजूरी विच धार्मिक स्थान से भी लोग झूठ बोल जाते हैं। अगर असी सचमुच गुरु नू गुरु समझिए, राम नू राम समझिए, तो फिर उहदी हजूरी विच कदी असी झूठ ना बोली। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। एक पंडित जी कथा करदे सन, कहंदे सन जिहड़ा राम राम कहंदा है संसार सागर तों उह पार हो जांदा है। मंदिर दे बाहर एक दुध वेचण वाली गुजरी, वह तुरी जांदी सी। उहदे कन्नां विच बोल पए कि जिहड़ा राम राम कहंदा है संसार सागर तों पार हो जांदा है। पहली वारी बोल सुने और मन विच वस गए। साध संगत सुनदे ते सारे ही हुंदे ने पर मन दा कोई विरले। ए गुजरी नदी पार करके आया करदी सी, दुध वेच के घर वापस जान लगी। नदी किनारे पहुंची पर अज ये गुजरी पुल वाल नहीं गई, बेड़ी वाल नाव वाल नहीं गई। नदी किनारे खलो के कहंदी है मना, पंडित जी कहंदे सन जिहड़ा राम राम कहंदा है वह संसार सागर तू पार हो जांदा है, ते की मैं राम राम कह के ये नदी नहीं पार कर सकती। गल ते भरोसे दी है, भरोसा है ता रब है, जे भरोसा नहीं ते फिर कुछ भी नहीं। मुंह विच राम राम हिरदे विच सच, राम राम कहंदे हैं इस गुजरी ने पहला पैर पानी ते रखिया, फिर दूजा, फिर तीजा, और देखदिया देखदिया पानी ते तुर के ये गुजरी नदी पार कर गई। हुण रोज पानी ते तुर के आंदी है, पानी ते तुर के जांदी है, और एक दिन मन विच सोचिया ऐ मना, जिस पंडित ने उपदेश दिता है उन्हां नूं घर बुला के उन्हां दी सेवा करा। और एक दिन इस गुजरी ने आके कहा पंडित जी तुसी उपदेश दिता मैं सुनिया, मेरा जीवन बदल गया, अज मेरे घर चल के प्रशादा छको भोजन करो। पंडित जी नाल तुर पए पर जिस वेले ये नदी किनारे पहुंचे हैरान होके पंडित जी गुजरी नूं कहंदे ने ऐ गुजरी पुल ते ऐस पासे है, बेड़ी भी ऐस पासे, तू किधर तुर पई है? ता साध संगत ओ गुजरी जिहदी अखां दे विच हुण नाम दी लाली है, जिहदे रोम रोम विच हुण राम वसदा है, चेहरे दा रंग ही कुछ होर है। कहन लगी पंडित जी जदों दा राम राम जपण लगी है हुण कदी पुल वल नहीं गई, कदी नाव वल नहीं गई, हुण ते राम राम कह के नदी पार कर जानी है, हुण ते राम नाम दी सवारी है। ता पंडित जी मन विच सोचदे ने, पंडित जी मन विच सोचदे ने और अपने आप नूं कहंदे ने ऐ मना ए हो नहीं सकदा, जपिया ते मैं भी सारी उम्र है राम राम, लोकां नूं जपाया भी है राम राम, पर कोई राम राम कह के पानी ते तुर सकदा है ए नहीं हो सकदा। हुण गुजरी कहंदी है पंडित जी तुसी वड्डे हो तुसी अगे चलो, ते पंडित मन विच सोचदा इन्हें गुजरी ने आप ते डुबना है नाल मैनू भी डुबेगी।
गुजरी नू कहन लगे, गुजरी अगे तू चल, तेरे घर दा तैनू पता है। ते नाले पंडित जी ने मन विच ही सोचिया, जे ते राम राम कहंदी ए गुजरी पानी ते तुरन लग पई, ते पिछे पिछे मैं भी तुर पवांगा। अगर ए पानी ते ना तुर सकी ते बहाना ला देंगा, ए कह देंगा राम नाम जप के संसार सागर तरन वास्ते गया सी, ए नदी तरन वास्ते थोड़ा गया सी। हुण पंडित जी बहाना लगांदे ने, ए गुजरी अगे तू चल पिछे मैं आना, क्योंकि तेरे घर दा तैनू पता है। हुण साध संगत किन्ना फर्क है, जपदा पंडित भी है, लोकां नू जपांदा भी है पंडित, पर उसनू ना राम ते भरोसा है ना राम ते श्रद्धा, पर वो गुजरी जिन्हों राम ते भरोसा भी है और राम दा नाम मन विच भी वसे है, वो गुजरी जिन्हें मन विच झूठ नहीं केवल सच है केवल श्रद्धा है, वो राम राम कहंदी पानी ते तुरन लग पई। ते पंडित मन विच सोचदा है जे ए गुजरी तुर सकदी है पानी ते, मैं क्यों नहीं तुर सकदा। ए ते हुण कहन लगी है राम राम, मेरी ते उम्र बीत गई राम राम जपदे आ और राम राम जपांदे आ, जे ए तुर सकदी है ते मैं क्यों नहीं। पंडित जी भी अगे होए, मुंह विच राम राम ते है पर मन विच डर किधरे डुब ना जावां। मुंह विच राम ते है पर मन विच भरोसा नहीं, डर है मन विच राम राम कहंदे आ। पंडित जी ने पहला पैर पानी दे उते रखिया ते मुदड़े मुंह पानी विच डिगे। जद पंडित जी पानी विच डिगे ते बड़ी मुश्किल एक किनारे लगे और गुस्से विच कहन लगे, ए गुजरी ए सुसरी आप ते चली गई, मैनू डुबण वास्ते छड़ गई, पर साध संगत इथे दोष किदा, उस गुजरी दा नहीं दोष अपना है, क्योंकि राम राम जपया ते जरूर है, राम राम जपाया भी जरूर है, पर राम ते ना कदी भरोसा कीता ते ना ही सच्चे दिनों उसनु कदी मन्या। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अतवड़ा, अतुल न तुलिया जाए, अगम अगोचर अतवड़ा, सब जग फिरे, राम न पाया जाए। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, उस राम उस गुरु ने किस तरह लोग खिडौना और मखौल समझते। एक पासे कहंदे ने भगवान सब कुछ जानता है, पर फिर भी लोग बुराइयां करते, प्राय हक खांदे ने,
और प्राय हक दे विचों लोग दान पुन भी कर दे, पर प्राय हक जेड़ा असी लोग खाने हैं, प्राय हक विचों देड़ा असी दान पुन कर दे हैं, वो कदी भी परवान नहीं होता। गुरु साहब की कहंदे ने, हक पराया नानका उस सोअर उस गाय। मुसलमान वास्ते प्राया हक सूर दा मास खान दे बराबर, हिंदू वास्ते प्राया हक गऊ दा मास खान दे बराबर है। ये सख्त गल्ला इस वास्ते कहियां के तू प्राया हक ना खा, अपनी कमाई जेड़ी तेरी अपनी किरत है उस नाल गुजारा कर। अगर तू प्राया हक खाना है, ठगियां करना है, फिर केड़े मुंह नाल तू पूजा करता है? तेरा राम तेरा खुदा तेरे ते कदी भी खुश नहीं होवेगा। अगर तू दूसरियां दी कमाई खाना है, दूसरियां दा तू हक खाना है। हक पराया नानका उस सोअर उस गाय। गुरु पीर हमाता परे जा मुर्दार न खाए। पराया हक खाना मुर्दा खान दे बराबर है। पर अजकल देखते हैं लोग धर्म के नां ते भी लोगों नाल ठगियां करते हैं, पराया हक खांदे ने। एक पासे लोग भगवान दे गुरु की पूजा करते, दूसरे पासे लोगों ठगते ने। आम देखते हैं घरां विच पाठ रखिया होवे, पाठ दे भोग दा समा हो जांदा है, रिश्तेदार नहीं आए ते लोगों नू रिश्तेदारां दा फिक्र हुंदा है, हाले रिश्तेदार नहीं आए भाई जी हाले भोग ना पाए। मंदिर खुला है, पूजा पाठ हो रहा है, पर हाले लोग नहीं आए। भगवान उड़ीक करे, गुरु उड़ीक करे, लोकी आण भावे ना, किन्ना फर्क पै गया है। पहला कहंदे सन गुरु कोल चल के जाइए, भगवान कोल तुर के जाइए, पर अजकल लोग कहंदे ने रब साड़ी उड़ीक करे, असी रब दी क्यों उड़ीक करी। और फिर दुखी भी लोग इसे वास्ते ने, घरां विच दुख ने, कलेश ने, चिंता है, आपस विच प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने राम नूं उस गुरु नूं खिडौना समझ लिया है, पर वह खिडौना नहीं। जद उस नूं सचमुच राम समझ के, उस नूं गुरु समझ के प्यार करांगे तो साढ़े दुख दूर होणगे, नहीं तो हमेशा दुखां और कलेशां दे विच असी सड़दे रहांगे। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अतवड़ा अतुल न तोलिया जाए। अगम अगोचर अतवड़ा अतुल न तोलिया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, सब जग